नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। जी हाँ, आज बड़ी खबर दमोह जिले से और बड़ी शर्मनाक खबर बोलना चाहिए निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार दमोह जिले में कानून व्यवस्था अब जो है लचर स्थिति में है। दिन दहाड़े स्कूटी पर सवार युवती की आंखों में मिर्ची का पाउडर मारकर रुपयों से भरा बैग छीनकर लुटेरे भाग निकले, ये पथरिया की घटना है। तहसील मुख्यालय में दिन दहाड़े लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में बहुत देरी की है। जी हाँ, दरअसल दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वह लूट व चोरी की दिन दहाड़े अंजाम देने लगे हैं। खुलेआम होने वाली घटनाओं में बुधवार का दिन भी शामिल रहा। बुधवार की दोपहर 3 बदमाशों ने खुलेआम एक बड़ी लूट को अंजाम देते हुए स्कूटी से जा रही एक युवती की आंखों में मिर्ची का पाउडर मारकर उसका रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता रिपोर्ट कराने पुलिस थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की पहचान के किए जाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली संगीता पिता बाबूलाल कुलेरिया उम्र 23 वर्ष निवासी गड़ाकोटा जिला सागर अपनी स्कूटी पर सवार होकर पथरिया से गड़ाकोटा जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह नगर के सरस्वती शिशु मंदिर के पास पहुंची तो पहले से ताक लगाए 3 नकाबपोशों ने युवती की स्कूटी के आगे अपनी बाइक अड़ाकर युवती की आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक कर मार दिया और उसका बैग छीन कर भाग गए, जिसमें 1,20,000 रुपये रखे हुए थे। समूहों की जमा राशि लेकर जा रही थी पीड़िता, उसने बताया है। घटना का शिकारू संगीता कुलेरिया का कहना है वह एक फाइनेंस कंपनी सोनाटा में कार्य करती और हमेशा की तरह समूहों से की गई वसूली की राशि लेकर पथरिया से गड़ाकोटा जा रही थी। जैसे ही वह गड़ाकोटा के लिए निकली तभी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए 3 व्यक्ति बाइक से आए और उन्होंने आँखों में मिर्ची का पाउडर झोंक दिया, रुपयों से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। लेकिन शर्मनाक घटना, सुनिए जरा युवती ने क्या क्या बातें बताई हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या हुआ है? सर, 3 लोग आए तो हमारे बैग छीन के चले गए और सोनाटा फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं हम। क्या क्या था बैग में? सर, पैसे थे। कितने? 1.5 लाख के समथिंग। आप कहाँ के? हम गड़ाकोटा के। कहाँ जा रही थी? गड़ाकोटा। यहाँ कंपनी कहाँ आपकी? बिजली ऑफिस के। काय के पैसे थे? सर, रिकवरी का। घटना कहाँ की है? मतलब वो सरस्वती शिशु मंदिर के पास। कैसे थे मतलब वो? 3 लोग थे बाइक से। अब वो तो उन्होंने मिर्ची डाल दी तो हम थोड़ी समझ नहीं पा रहे। गाड़ी का है? कौन सी गाड़ी की थी? हाँ, हीरो होंडा थी। पहचान नहीं पाई आप? नहीं। मुंह पर कपड़ा वगैरह बांधे थे क्या? हाँ, कपड़े स्टॉल बांधे थे। कितने लोग थे वो? 3 लोग। बहरहाल घटना दोपहर करीब 12:30 बजे के बाद हुई थी और करीब 1 बजे युवती घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस थाने पहुंच गई थी, लेकिन शाम करीब 6 बजे तक युवती पुलिस थाने में ही थी और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परेशान हो रही थी। लेकिन जब घटना की जांच के लिए एसपी के पहुंचने की जानकारी पुलिस थाने में पहुंची तब पीड़िता की रिपोर्ट जो है दर्ज की गई। ये बड़ा शर्मनाक वाकया है। आखिर लूट की वारदात थी, इतनी जघन्य वारदात थी और दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया और इस तरीके की पुलिस की जो है कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग गया। पथरिया पुलिस लगातार जो है फेल हो रही है कानून व्यवस्था में। ये पहला मौका नहीं है, कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं और इस मामले में भी एसपी को खुद आना पड़ा। ये बड़ा शर्मनाक है, तब रिपोर्ट लिखी गई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।